हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल न्यूज 48 में। दोस्तों, यह हमारा नया चैनल है। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। चैनल पर आपको आंगनबाड़ी, संविदा कर्मी, मौसम, बेरोजगार, किसान, शिक्षा, नई वैकेंसी, हर प्रकार की न्यूज आपको चैनल पर उपलब्ध करवाई जाएगी। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग जरूर प्रदान करें। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आंगनबाड़ी आशा बहनों से जुड़ी हुई सच्ची और महत्वपूर्ण खबरें पाने के लिए अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो हमारा नया चैनल है, सब्सक्राइब करके अपना अमूल्य योगदान जरूर प्रदान करें। आंगनबाड़ी आशा 30 जून 2019 की मुख्य मुख्य खबरें। शोषण भया दोहन के खिलाफ एकजुट हुई सेविका सहायिकाएं। जी हां, बिहार की आंगनबाड़ी आशा, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं ने संघ की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संघ की जिला अध्यक्ष इंदिरा कुमारी ने की। बैठक में जिला भर के विभिन्न प्रखंडों की सेविका सहायिका के साथ बिहार राज्य सेविका सहायिका कर्मचारी संघ के प्रदेश महासचिव कुमार विश्वेंद्र सिंह शामिल हुए। बैठक में संघ से जुड़े आनंदी सिंह, प्रभात कुमार आदि भी शामिल हुए। बैठक में शामिल सेविका सहायिकाओं ने सरकारी पदाधिकारियों पर शोषण तथा भया दोहन का आरोप लगाया है। जी हां, बिहार की आंगनबाड़ी बहनों का ये कहना है कि सरकारी कर्मचारी जो हैं, बड़े अधिकारी जो हैं, वो उनका शोषण करते हैं और उनसे अवैध रूप से वसूली की जाती है और इसके खिलाफ अब सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की जो संघ है वो एकजुट हो गए हैं और 11 जुलाई को इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की जाएगी। तो बहनों, ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप सभी ने एकजुट होकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है और अब आपके साथ न्याय होगा। चाहे किसी भी राज्य में आंगनबाड़ी बहनों का अगर कोई भी अधिकारी अवैध रूप से वसूली करता है, पैसे मांगता है, अगर आपको तंग करता है, तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और आपकी हर आवाज़ आप तक और जनता तक हम चैनल पर पहुँचाते हैं। मांगों को लेकर धरना दिया आशा वर्कर्स ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। आशा वर्कर एसोसिएशन की सदस्यों ने शनिवार को कस्बे के सतनाली रोड स्थित पीएचसी के सामने धरना देकर सरकार से उनकी सभी मांगों को स्वीकृति देने की अपील की। आशा वर्कर्स ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा सीएचसी गोपी के एसएचओ के माध्यम से मिशन निदेशक को ज्ञापन भी भेजा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आयोजित धरने को संबोधित करते हुए आशा वर्कर एसोसिएशन जिला अध्यक्ष कमला देवी ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार आशा वर्कर्स की मांगों को पूरा करने का वायदा करती है, लेकिन धरातल पर एक भी मांग को पूरा नहीं करती है। तो आशा वर्करों ने 18,000 मानदेय देने और सरकारी कर्मचारी घोषित करने की जो है वो सरकार से मांग की है। मंत्री अरुणा चौधरी के आवास के समक्ष भूख हड़ताल 6 से। यह न्यूज है पंजाब से। पंजाब आंगनबाड़ी मुलाजिम यूनियन मांगों को लेकर सामाजिक सुरक्षा, स्त्री व बाल विकास विभाग की मंत्री अरुणा चौधरी के घर के बाहर भूख हड़ताल 6 से शुरू करेंगी। यूनियन के प्रदेश प्रधान हरगोविंद कौर ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में बैठकें करके वर्करों की ड्यूटियां लगा दी गई हैं और रोजाना 21 वर्कर भूख हड़ताल पर बैठा करेंगे। 14 जून को ब्लॉक स्तरीय पर वर्करों व हेल्परों ने अपने रक्त से मांग पत्र लिखकर विभाग व मुख्यमंत्री को भेजकर मांग की थी कि पंजाब सरकार ने वर्करों व हेल्परों के जो पैसे काटे हैं वह तुरंत दिए जाएं। 1 अक्टूबर 2018 को केंद्र ने कर्मवार वर्करों व हेल्परों का 1500 रुपये व 750 रुपये मान भत्ता बढ़ाया है, लेकिन पंजाब सरकार उन्हें केवल 900 व 750 रुपये देने पर ही अड़ी हुई है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार पंजाब सरकार आंगनबाड़ी वर्करों और आंगनबाड़ी हेल्परों को उनका हक नहीं दे रही है और बहनों को लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है। परसों नए करवाने वाली आशाओं को बर्खास्त करने का निर्देश। जिला स्वास्थ्य समिति के शासी निकाय की बैठक में ये ज्ञापन दिया गया है कि जो आशा कार्यकर्ता अपने प्रखंड की महिलाओं का प्रसव कराने के लिए सरकारी हॉस्पिटल में लेकर नहीं आती है, उनकी जाँच की जाए और उन्हें बर्खास्त किया जाए। केंद्रीय बजट में मिड डे मील वर्कर्स के मानदेय में बढ़ोतरी की उठी मांग। तो ये थी आज की आंगनबाड़ी आशा बहनों की मुख्य मुख्य खबरें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।